प्यारे बच्चों, आठवीं कक्षा में सामाजिक विषय में आज पाठ है धर्मनिरपेक्षता। उसके प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसका उत्तर है पहले का, यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ने का मौका देता है। अगला प्रश्न है, भारत का राजधर्म कौन सा है? भारत का कोई राजधर्म, उत्तर है भारत का कोई राजधर्म नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में किस धर्म को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं? वो हिंदू धर्म के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में आने वाली कोई दो बाधाएँ? भारत धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में दो बाधाएं मुख्य रूप से जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद, ये दो ऐसी मुख्य समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, पगड़ी पहनना किस धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है? वह है सिख धर्म, यानी सिख धर्म में पगड़ी पहनना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को कौन सा राज्य घोषित किया गया है? भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इसका उत्तर है, धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थी आज क्विज प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें। भाग लेने के लिए आप सभी बच्चों के पास लिंक भेज दिया गया है, तो आप अवश्य भाग लें ताकि आप भी एक महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा दिया जा रहा इनाम उसको ग्रहण कर सकते हैं, जीत सकते हैं और वार्षिक परीक्षा में इसके माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।